students, today we will start important example of Riemann-Stieltjes integral. बेटा कल मैंने आपको जो example मैंने board पे लिखी है इसका prove किया था by definition. आज हम करेंगे integration by parts. Let f(x) equal to x. वो example मैंने last video में करवाई है बेटा आपको. जो theorems आपको करवाई है जैसे मैंने integration by parts, step function, आज इसकी examples करेंगे. fx equal to x, alpha x equal to x plus greater integral function. Find 0 to 10 fx dx by integration by parts. Same calculator by definition की थी. तो integration by parts क्या था बेटा? f 0 to 10 f d alpha. 0 fx d alpha. 0 to 10 कितना बेटा? x. Okay. d x plus greatest integral function. Okay. So integration by parts. First, second. First integration of second. X plus greatest integral function. Okay. Limit 0 to 10 minus derivative of first. Okay. Integration of second. क्या है बेटा मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. ठीक है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. देन पुट द वैल्यू 10 10 प्लस 10 द ग्रेटेस्ट इज 10 0 0 माइनस 0 टू 10 x dx माइनस 0 टू 10 greater integer x dx. ये कितना हो गया 200 minus x square by 2 50 आ गया बेटा. ओके नेक्स्ट इसका बेटा कैसे लिखेंगे 0 से 1 1 से 2 अप टू 9 से 10 इसकी वैल्यू 0 यहाँ पे 1 आगे 2 लास्ट कितनी आ गई 9 1 प्लस 2 प्लस अप टू 9 क्या फॉर्मूला बेटा n n प्लस 1 बाय 2 समेशन n का कितना आ गया 45. ओके 105 कल भी कितना आया था बेटा हमारे पास 105. सेकंड एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल 4 fx equal to x alpha x equal to x from 0 to 1. Okay. Find the value 0 to 1 fd alpha. हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कल भी ये किया था बेटा हमने क्वेश्चन बाय डेफिनेशन ये है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इसको क्या लिखेंगे बेटा 0 से 1 x d x के. ओके फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिमिट 0 से 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x स्क्वायर dx. तो इसका कितना हो रहा है x क्यूब 1 माइनस x क्यूब बाय 3 बेटा कितना है 1 बाय 3 कितना आ गया बेटा 2 बाय 3. देखना एग्जांपल 5 यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स prove that number 1 summation alpha equal to 1 से लेके n तक 1 by alpha the power s 1 by n the power s minus 1 plus s 1 से लेके n तक greater than integer x upon x the s plus 1 dx if s not equal to 1. बेटा ये दिया हमने तो हमने एक रिजल्ट प्रूव किया था बेटा मेरे लेक्चर नंबर 10 में दे सकते हो मैंने वहां पे प्रूव किया बेटा वो कहता है रिडक्शन रीमन स्टीलजेस इंटीग्रल रिड्यूस टू फाइनाइट सम. उसमें मैंने क्या प्रूव किया था बेटा समेशन i इक्वल टू 1 से लेके n तक fi वी राइट 0 से n fx
d greater than t is a function. ओके ये रिजल्ट मैंने प्रूव किया था बेटा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, समेशन आई इक्वल टू वन से लेके एन तक एफ आई इक्वल टू एफ वन प्लस समेशन आई इक्वल टू टू से लेके एन तक एफ आई। आप देखो यहाँ वन से शुरू था, यहाँ पे मैंने क्या आई जी, ये कहाँ स्टार्ट हो रहा है टू, तो हम क्या लिखेंगे बेटा एफ वन प्लस वन से लेके एन तक एफ एक्स डी ग्रेटर इसमें यूज होगा। रीजन क्या है बेटा, यहाँ पे लिमिट यदि जीरो होगी तो ये डिफाइन नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ देखो, समेशन अल्फा इक्वल टू वन टू एन वन बाय अल्फा डीएस, ठीक है। यहाँ पे बेटा एफ एक्स कितना है वन बाय एक्स की पावर एस, यदि मैं जीरो से स्टार्ट करूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे एफ वन प्लस वन से लेके एन तक, ओके इसमें एफ एक्स वन अपॉन एक्स दी पावर एस डी ग्रेटर देन इंटीजर फंक्शन एक्स, मैंने इसको ऐसे लिख दिया बेटा। ओके एफ वन की वैल्यू कितनी होगी वन प्लस वन से लेके एन तक बेटा एक्स दी पावर माइनस एस डी ग्रेटर देन इंटीजर एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेटा वन प्लस क्या है बेटा ग्रेटर देन इंटीजर फंक्शन x की पावर माइनस फर्स्ट बेटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिमिट 1 से लेके n तक माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव माइनस s x की पावर माइनस s माइनस x dx। तो मेरे पास वैल्यू क्या है बेटा, यहां पे n ग्रेटर देन इंटीजर n n की पावर माइनस s माइनस 1 माइनस 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 प्लस एस वन से लेके एन तक ग्रेटर इंटीजर एक्स अपॉन एक्स की पावर एस प्लस वन डी एक्स कैंसिल। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, एन एन क्या है इंटीजर वन टू थ्री फोर, एन क्या है बेटा इंटीजर एन दी पावर वन एन दी पावर माइनस एस प्लस एस वन से लेके एन तक ग्रेटर इंटीजर एक्स एक्स की पावर एस प्लस वन डी एक्स। तो मेरे 1 माइनस एस तो क्या बना बेटा 1 अपॉन एन एस माइनस 1 प्लस एस 1 से लेके एन तक ग्रेटर इंटीजर एक्स एस प्लस 1 डीएक्स। ये था फर्स्ट बेटा, सेकंड पार्ट इसका समेशन 1 बाय के, के दी वैल्यू 1 से लेके एन तक इक्वल टू लॉग एन माइनस 1 से लेके n x माइनस ग्रेटर देन इंटीजर फंक्शन अपॉन x के dx प्लस 1 बेटा ये। तो इसको कैसे करना है बेटा, यहाँ पे fx कितना हो गया बेटा 1 by x, तो पुट इन दिस वन समेशन k इक्वल टू यहाँ पे बेटा 0 स्टार्ट करो 1 अपॉन 0 ना बेटा 1 by k इज इक्वल टू f1 प्लस 1 से लेके n तक 1 by x d greater than greater x, f1 कितना बेटा 1 प्लस हाँ जी क्या आएगा बेटा greater than greater x into 1 by x limit 1 से लेके n तक minus derivative of first integration of minus 1 x d minus 2 into greater than greater x dx। तो 1 प्लस n 1 by n 1 1 माइनस ओके माइनस माइनस प्लस क्या आ गया बेटा यहाँ पे 1 से लेके n तक ग्रेटर इंटीजर x अपॉन x के dx। अब बेटा मुझे ये प्रूव करना है, तो इसके लिए बेटा इसमें मैंने क्या किया 1 प्लस 1 से लेके n तक ग्रेटर इंटीजर x अपॉन x के dx। आप मान 1 by x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x, तो इसे मैंने बेटा माइनस 1 बाय एक्स ऐड कर दिया और 1 बाय एक्स सब्ट्रैक्ट, ओके 1 प्लस इसका क्या बना लॉग एक्स लॉग एन माइनस लॉग 1, लॉग 1 कितना होता है 0, लॉग एन माइनस 1 से लेके एन तक एक्स के एलसीएम आ गया एक्स माइनस
ग्रेटर इंटीग्रल फंक्शन एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एग्जांपल बेटा। एग्जांपल नंबर 6 मैं करूंगा बेटा, हमने यूनिट स्टेप फंक्शन की थ्योरम की थी बेटा, डेफिनेशन भी की थी एंड हमने थ्योरम भी यूज की थी इसकी स्टेप फंक्शन। उसमें बेटा हमने क्या पढ़ा था, स्टेप फंक्शन यदि सी पे फंक्शन जंप कर रहा है, जंप डिस्कंटिन्यूटी है, तो हमने ये पढ़ा था बेटा ए टू बी एफ डी अल्फा इक्वल टू एफ सी अल्फा सी प्लस माइनस अल्फा सी माइनस। आप देख सकते हो बेटा लेक्चर 9 में मैंने बेटा ये थ्योरम प्रूव की है, आप देख सकते हो उसमें। तो वो क्या है बेटा, स्टेटमेंट क्या है इसकी, स्टेप फंक्शन की एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 6, इफ एफ एक्स इक्वल टू 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 3 माइनस 4 एक्स, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अल्फा एक्स 0 एक्स लेस देन इक्वल टू 0 2 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 0 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 3 से 3 एफ डी एफ हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखो बेटा जो एफ एक्स है 0 पे 3 0 पे 3 0 पे क्या है कॉन्टिन्यू, 1 पे जब 1 पुट करेंगे लेफ्ट नेबरहुड में 3 माइनस 4 माइनस 1 राइट नेबरहुड में माइनस 1, तो हमें क्लियर है बेटा एफ क्या है, कॉन्टिन्यूज है एट एक्स इक्वल टू 0 एंड 1। बट जो अल्फा है वो क्या है बेटा, 0 पे 0 और लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 0 राइट नेबरहुड 0 2 लेफ्ट नेबरहुड एट एक्स 1 2 राइट नेबरहुड 0, तो अल्फा क्या है बेटा डिसकंटीन्यूअस है एट 0 एंड 1। तो हमने इस थ्योरम में यही पढ़ा था यदि एफ कंटीन्यूअस है तो अल्फा क्या होना चाहिए, लेफ्ट में कंटीन्यूअस है तो अल्फा डिसकंटीन्यूअस होना चाहिए, यदि राइट नेबरहुड में एफ कंटीन्यूअस है तो अल्फा क्या होना चाहिए, एक कंटीन्यू दूसरा कम से कम एक क्या होना चाहिए बेटा, डिसकंटीन्यूअस होना चाहिए एट लीस्ट 1। तो देखो अल्फा क्या है बेटा यहां पे डिसकंटीन्यूअस है, तो वो थ्योरम यूज करनी है बेटा किस किस पॉइंट पे, 0 तो क्या लिखेंगे माइनस 3 से 3, अदरवाइज आपको मालूम है और जिस पॉइंट पे ये डिसकंटीन्यू नहीं है तो वहां पे जंप डिसकंटीन्यू नहीं है तो वहां पे अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है, 0 बेटा। उस थ्योरम में प्रूव किया आप देख सकते हो एफ डी अल्फा इज इक्वल टू एफ 0 अल्फा 0 प्लस माइनस अल्फा 0 माइनस प्लस एफ 1 अल्फा 1 प्लस माइनस अल्फा 1 माइनस। ओके, तो एफ 0 एफ 0 पे वैल्यू देखो आप, एफ 0 कितनी वैल्यू है बेटा 3, अल्फा 0 प्लस कितनी वैल्यू है 2, अल्फा 0 माइनस कितनी वैल्यू है बेटा 0, क्लियर है, राइट नेबरहुड में 2 लेफ्ट नेबरहुड में कितने 0, एफ 1 1 पे वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 1। ओके, अल्फा 1 प्लस 0 माइनस अल्फा 1 नेगेटिव, तो कितनी आ रहा है 6 प्लस 2 कितना आंसर आ गया बेटा इसका 8, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल 7, अल्फा एक्स इक्वल टू 0 एक्स लेस देन 0 2 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 5 2 लेस देन एक्स लेस देन 3 5 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, तो भी ये दी हुई है वैल्यू बेटा इसमें। ओके, एफ 3 2 3 बेटा ये वैल्यू ना चेंज करनी है मैंने, 3 एक्स लेस देन 3 6 कर ली है एंड एफ हमने वैल्यू निकाल ली है बेटा माइनस 5 से 10 ए दी पावर माइनस 3x dx। तो अब देखो बेटा एफ एक्स किसके इक्वल है, ए दी पावर माइनस 3x ऑलवेज कंटीन्यूअस, ये क्या होता है बेटा हमेशा कंटीन्यूअस होता है। तो अल्फा चेक कीजिए 0 पे डिसकंटीन्यूअस है 2 पे डिसकंटीन्यूअस है 3 पे डिसकंटीन्यूअस है, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा,
एफ जीरो इंटू अल्फा जीरो प्लस माइनस अल्फा जीरो नेगेटिव प्लस एफ टू अल्फा अल्फा टू प्लस माइनस अल्फा टू नेगेटिव। उसके बाद एफ थ्री अल्फा थ्री पॉजिटिव माइनस अल्फा थ्री नेगेटिव। एफ जीरो ए की पावर जीरो कितना हो गया बेटा हमारे पास वन, साथ में अल्फा जीरो प्लस टू माइनस जीरो ओके प्लस एफ टू पे एफ टू ए की पावर माइनस सिक्स एफ टू प्लस फाइव टू नेगेटिव। आगे एफ थ्री ए की पावर माइनस नाइन ओके सिक्स माइनस फाइव ओके ये आ गया बेटा इसका। तो ये थी बेटा कुछ एग्जांपल्स मैंने करवाई हैं बेटा लास्ट बाय डेफिनेशन इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टेप फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में ना एक इम्पोर्टेंट थ्योरम जो क्या है यदि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो रीमन स्टेबल जैसे इंटीग्रल है इसके बारे में बात करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।